हे गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं लवासा और मैडम जी ड्राइव कर रही हैं। तो अभी हम वाकड़ के पास से निकले हैं। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। हम थोड़ा सा रुकते करते जाएंगे। अभी सुबह के लगभग 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 10:52 हो रहा है, लगभग 11 बजे मान लीजिए। और हम लोग हिंजेवाड़ी होके निकलेंगे, हिंजेवाड़ी से पिरंगुट और फिर पिरंगुट से तेमघर होते हुए। तो बीच में मैं थोड़े से ड्रोन फुटेज भी लूँगा, तो आप लोगों को मैं ड्रोन फुटेज दिखाता हूँ। चलिए, तो अभी हम हिंजेवाड़ी ब्रिज पे पहुँच गए हैं और यहाँ से सीधा हिंजेवाड़ी जाएंगे। हिंजेवाड़ी से लेफ्ट टर्न लेके और फिर पिरंगुट। हिंजेवाड़ी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, पिरंगुट जैसे बोले ना ऐसे गोवा याद आता है मुझे। पिरंगुट गोवा, वहाँ पे कलंगूटे है, पिरंगुट अच्छा, नहीं सोच रही। तो ये हम हिंजेवाड़ी के पहले चौक से लेफ्ट ले लिया है। तो ये हिंजेवाड़ी फेज 1 का मेन सर्कल है। यहाँ से हम सीधा ही जाएंगे मान विलेज होते हुए। अभी हम हिंजेवाड़ी फेस 3 के पास से निकल रहे हैं और ये सामने आपको जो बिल्डिंग है दिखाई दे रही है, ये है मेगापोलिस प्रोजेक्ट। से हाय टू द कैमरा। हाय। देखो कैसे हैं, बड़ी डिफिकल्ट सी हाय की है क्योंकि अभी आगे व्हीकल्स हैं, थोड़ा पहाड़ी रास्ता है। तो मैडम जी थोड़ी सी कॉन्शियस है। ओहो, डर लग रहा है मुझे आपसे। ये हिंजेवाड़ी से पिरंगुट वाला जो रोड है ये अच्छा नहीं है, काफी खराब है। बीच बीच में काफी खड्डे वगैरह हैं एंड बने हुए को भी काफी टाइम हो गया है। तो अगर आप वेस्ट साइड से ही अगर जा रहे हैं तो लावले होके निकले। लावले वाला रोड ये अल्टरनेट रोड गूगल बताता है, बट समहाउ गूगल ने आज हमें यही रोड दिया, तो हमने कहा चलो इसी पे चलते हैं। बट लावले वाला रोड हम पिछली बार गए थे, इट्स मच बेटर। देखिए बहुत ही बुरा हाल है रोड का, पूरा ही उखड़ा हुआ है, बीच बीच में खड्डे भी हैं। ये देखिए, ओहो बड़े बड़े खड्डे हैं। सो अगर SUV वगैरह है तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज छोटी कार के लिए इट्स वेरी वेरी बैड रोड। हेडिंग टू तेमघर। तेमघर तक ये सिंपल रास्ता है जिसे हम तेमघर लवासा रोड बोलते हैं। तो ये पहले तेमघर जाता है, फिर उसके आगे लवासा है। तो तेमघर तक बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, मतलब है पहाड़ी है, हल्की फुल्की पहाड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तेमघर पे भी हम आपको तेमघर का व्यू थोड़ा अच्छा आएगा, आई एम श्योर ब्यूटीफुल व्यू आएगा, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद आपको ले जाएंगे लवासा। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी यहाँ पे। अगर आपको जाना हो लवासा तो बेस्ट टाइम है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये 3 महीने में अगर आप जाओगे तो ये पूरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। सारी लोकेशंस एकदम जहाँ मन करे वहीं आप गाड़ी रोक लो, आपको इतना प्यारा व्यू आएगा।
गाइस दिस इज ह्यूज डैम तेमघर, काफी ऊंची दीवार है इसकी। और ये उन तीन डैम में से एक डैम है जिसका पानी खड़कवासला में जाता है, पानशेत, वरसगांव और तेमघर। ये तीन डैम का पानी खड़कवासला में जाता है और फिर पूना में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो हमारे राइट में रह जाएगा ये। वाओ, सी द वॉल। लेकिन पूरी वॉल में हल्के हल्के से लीकेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ से, देखिए। इट लुक्स ह्यूज। वाओ, खतरनाक लग रहा है एकदम। तो अभी आप लोगों ने जो देखा वो था तेमघर डैम का ड्रोन फुटेज। और अभी हम यहाँ से निकल के हेडिंग टुवर्ड्स लवासा। आगे हिल्स है, हिली एरिया है पूरा, तो अभी पूरी घाट ड्राइविंग रहेगी। सो वी हैव एंटर्ड द सिटी ऑफ लवासा। इनका मेन गेट था पीछे, लेकिन उसके अंदर भी हमको लगभग 7-8 किलोमीटर जाना ही होता है।